फारसी में एक बात याद आ रही है, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, जो कि बेसिकली हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ कि धरती पे अगर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। 3 हफ्ते हो चुके हैं मुझे कश्मीर से वापस आए हुए, और हमेशा से मेरे मन में एक अजीब सा डर था कश्मीर को लेकर, जो शायद काफ़ी सारे और हिंदुस्तानियों को भी होगा, और मुझे डर था बावजूद इसके कि मैं न्यूज़ भी नहीं देखता। इस बार जब रूबरू मैंने कश्मीर को देखा, कश्मीर के लोगों के साथ रुका, उनके घरों में, उनकी हाउस बोट्स में, और उनकी हॉस्पिटैलिटी देखी, तो मुझे पहली बार इस चीज़ का एहसास बहुत ही साफ साफ हो गया एक बार फिर से कि हम कुछ और देखते रहते हैं खबरों अखबारों में, और मौके पर जिंदगी कुछ अलग ही चल रही है। मॉर्निंग, इट्स डे 4। दो दो बैग पैक करने होते हैं रोज़ मुझे। वैसे वन टिप इज़ लाइक, यू नो, ट्रैक पे जा रहे हो तो 2 sleeping bags इज द बेस्ट आइडिया। The bridge and the bridge is a bit dicey, तो हाथ पकड़ पकड़ के क्रॉस कर रहे हैं सब लोग। पहली बात जब मैं भी सोचता हूँ कश्मीर के बारे में, या जब मैं उन दिनों को याद करता हूँ, या उस वक्त को याद करता हूँ जो मैंने कश्मीर में बिताया, तो जेन्युइनली मुझे फील होता है कि हाँ, ये जगह जन्नत के लेवल पे खूबसूरत है। जन्नत वैसे मुझे पता था नहीं कि होती कैसे। श्रीनगर होटल पहुंचने से पहले ही उस सिटी का कोर मुझे समझ में आया कि यार, होटल जाने के लिए मुझे एक शिकारे में टैक्सी के फॉर्म में यूज करके उस शिकारे को क्रॉस करना पड़ा डल लेक। सामान लेके जा रहे हैं, अच्छा चले जाऊं क्या इसमें मैं? हाँ, सामान आप ले आएंगे? थैंक यू। तो मुझे देखना था कश्मीर का एकदम 100% ऑथेंटिक, वो जन्नत वाली जगह है जहां जाके मुझे सच में लगे कि हाँ, मैंने अगर ये देखा है तो मैंने कश्मीर सच में देखा है। और एग्जैक्टली इसीलिए मैंने सोनमर्ग, गुलमर्ग, श्रीनगर, इन सारे टाउन्स में बिल्कुल भी टाइम स्पेंड करने का प्लान नहीं किया, और स्ट्रेट अप हार्डकोर, जिसको बोलते हैं सारे मील स्किप करके, मैं सीधा डेजर्ट पे गया हूँ। व्हाट इज द बेस्ट ऑफ कश्मीर दैट आई कुड फाइंड, एंड देन आई रियलाइज्ड ओवरऑल कि एक ट्रैक करना कश्मीर के डीप माउंटेन्स में, वो बेस्ट अनटच्ड एरियाज दिखा देगा मुझे कश्मीर के, जो शायद इन बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इंटेक की वजह से अब थोड़े से ख़राब हो चुके होंगे। ये जो ग्रेट लेक्स ट्रैक है, ये ग्रेट लेक्स कहा जाता है क्योंकि इस पूरे ट्रैक में 75 किलोमीटर्स का डिस्टेंस 7 दिनों में, और उन 7 दिनों में आप इनकाउंटर करते हो 6 बेहद खूबसूरत झीलें, और ये 6 खूबसूरत झीलों का ही जो सर्किट है, दैट इज़ द ग्रेट लेक्स ट्रैक। इस ट्रैक की एक खास बात यह है कि इसमें आपको सब कुछ दिख जाएगा, जो भी नेचर के पास ऑफर करने को है। पहाड़ों में आपको जंगल दिख जाएंगे, ऊंचे ऊंचे पेड़ों वाले, आपको ग्रीन घास के मेडोज दिख जाएंगे, आपको बर्फ दिख जाएगी, आपको सूखे पहाड़ दिख जाएंगे, आपको हरे पहाड़ दिख जाएंगे, आपको ग्लेशियर्स दिखेंगे, आपको नदियां बहती हुई दिखेगी, आपको रॉकी पैचेस आएंगे इस ट्रैक के दौरान, जिन पे चल के कई बार तो शायद 1-1 घंटा आप लगातार बोल्डरिंग करते हुए जाएंगे, और फिर चलती हुई भेड़े बिखरी हुई होती है एकदम पत्थरों जैसी। तो वैरायटी जो है इस ट्रैक पे, और फिर जब बादलों का खेल शुरू होता है, तो वो ओवरऑल वैरायटी जो पैकेज है वो बहुत ही सॉलिड है। इनफैक्ट बीच में एक वैली ऑफ फ्लावर्स का छोटा वर्जन भी दिखा, जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे एक वैली में, लाइक ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर की का एक रास्ता था, जिसमें दोनों तरफ आपको
फूल ही फूल दिखते हैं अलग अलग कलर के, तो सब कुछ है इसमें। पहाड़ों से बेभान नीचे भागती पश्मीना गोट्स, नीले पानी और हरे घास की चादर पे चढ़ते हुए वो घोड़े, रात के अंधेरे में उन ऊंचे पहाड़ों से इतने तारे दिख जाना कि आंखों को विश्वास ना हो, मिल्की वे तक दिख गई वहां से। रोज बैठ के किसी बहती हुई नदी की आवाज के साथ पैर पानी में डाल के अपना लंच करना, ये हर एक कतरा हर एक पल जीना मेरे लिए तो एक जन्नत का एहसास ही है। तो ये तो हो गया ओवरव्यू पूरा। अब अगले वीडियो में मैं दूंगा डिटेल्स पूरे की ट्रैक में, डे 1 टू डे 7 क्या क्या हुआ, आइटनरी, मेजर चैलेंजेस। काफी इंटरेस्टिंग है मुद्दा, राइट? एक जंगल में आप अंदर घुस चुके हो 7 दिन के लिए और आप 7 दिन के बाद वापस निकलोगे बाहर सीधा उन पहाड़ों में से, तो काफी सारी चीजें हैं, काफी चैलेंजेस हैं बेसिक कि यार 7 दिन कैसे बिताए वहां पे। तो वो अगले वीडियो में पूरी फुल स्टोरी लाइंड अप है। सो बी रेडी, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट यार।